ओ भाई तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। पिछला वाला वीडियो पर आप लोगों ने जबरदस्त वाला प्यार दिया, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि उस वाले वीडियो में आपने एड्रेस नहीं बताया कि वो आखिर जगह कौन सी थी। तो मैं आपको ज़रा बताऊँ कि मैंने ही पहले ही बोल दिया था फर्स्ट 30 सेकेंड में ही कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, गूगल मैप है, ताकि आप वहाँ पर आसानी से पहुँच जाओ। लेकिन भाई वीडियो को पूरा अगर देखिएगा तो फिर आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी और भी बहुत सारे सवाल थे। तो वीडियो को जब आप पूरा देखिएगा ना तो उसमें आपको हर सवाल के आपके जवाब मिल जाएंगे। तो अभी ये वाला जो वीडियो स्पेशली इसलिए क्योंकि मैंने कुछ कमिटमेंट किया था कि आखिर जो हम लोगों ने ड्रोन लिया है, वो बहुत सारे सवाल ये आ रहे थे कि वो ड्रोन मैंने कहाँ से लिया, कैसे वो मुझ तक पहुँचा, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को ड्रोन परचेज करना। तो एक्चुअल में क्या है ना कि उस ड्रोन की कहानी कुछ ऐसी है कि वो ड्रोन इंडिया में नहीं मैंने बल्कि यूएसए से मंगाया है। हमारे एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर जो कि फैमिली के मेंबर हैं वो यूएसए आ रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला सर आप प्लीज़ हमारे लिए लेते आइए क्या, तो वो लेकर के आए हैं। और उनको लाने में उतना कुछ परेशानी नहीं हुआ, बस क्या किया ना कि प्रोपेलर को और बैटरी को उन्होंने हैंडबैग में रख लिया और बाकी सब कुछ लगेज में डाल दिया और वहाँ से लेके चले हैं। वहाँ से मुझे उस ड्रोन का जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 48,000 और इंडिया में पहले तो 60 के आसपास मिल रहा था, लेकिन अभी 60 से बहुत ज़्यादा प्राइस उसका हो चुका है क्योंकि अभी महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है, ऐसे लोग कह रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि वो कौन सा ड्रोन है जो हम लोगों ने लिया, तो DJI का मैविक मिनी 2 है फ्लाई मोर कॉम्बो। और फ्लाई मोर कॉम्बो से फायदा ये कि हमें 3 बैटरी मिल जाती है, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। और ड्रोन को फ्लाई करके भी दिखाएंगे कि आखिर कैसा उसका रिजल्ट है, कैसा क्या कुछ है। और मेरे ख्याल से आपके लिए पता चल गया होगा कि ड्रोन कहाँ से आया। अब अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको साइड कर लेते हैं, छोटकू सा रिक्शा है। हमने इसको कहाँ से लिया था, मेले में से लिया था ना, कौन सा मेले, लालसा मार्केट से। अभी ड्रोन का ये बैग है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। मैं ज़्यादा टेक्निकली बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि इसका बॉक्स कहाँ है, तो बॉक्स पैक हम लोग नहीं ला सकते यूएस से जैसा उन्होंने मुझे बताया था और मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे। तो वो ये सीधा बैग है, वहाँ पर उन्होंने अनबॉक्स कर लिया था और ये आ गया अपना DJI का मिनी 2। छोटकू सा ड्रोन है यार, कितना प्यारा सा है, एकदम हाथ में आ जाता है देखो। और लेकिन इसका जो फ्लाइंग रिजल्ट है ना वो बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी का है। आप इसका वीडियो जब अभी आगे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसके साथ हमें मिला एक रिमोट कंट्रोल, इसका ये जॉयस्टिक है, इसके दो जो जॉयज है ना वो यहाँ पर है, मतलब जो स्टिक्स है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर दिया है गिम्बल का बटन, इस साइड में दिया है रिकॉर्ड और कैप्चर का बटन, और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से फंक्शन की है तो ये एक मिल जाता है हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिटारा खुलता है वो था ये 3 बैटरीज का पैक। ये 3 बैटरी जो है ना फ्लाइम और कॉम्बो में ही आती है, अगर ऐसे आप नॉर्मली लेते हो तो वहाँ पर वो बैटरी 3 नहीं मिलने वाली, एक ही बैटरी मिलती है और ड्रोन मिलता है और रिमोट मिलता है आपको। तो एक बैटरी में आप कभी कभी होता है क्या कि मैक्स फ्लाइट 35 मिनट का लेगा बट 35 मिनट नहीं उड़ रहा है, मतलब 25 मिनट तक तो जाता ही है, तो अभी 25 मिनट बहुत टाइम होता है फॉर एरियल शॉट्स। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके बैग में। इसमें एक छोटा सा यहाँ पे तहखाना और है, इसमें ये मिल जाते हैं, ये प्रोपेलर्स हैं पहले से, और उसके बाद 2 स्टिक्स इसमें और हैं जॉयस्टिक वाली, और इसके साथ ये केबल है जो कि इसमें लाइटनिंग केबल भी है और USB केबल भी है, सारा है, टाइप सी केबल भी है जो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जो कि स्क्रू ड्राइवर आपको प्रोपेलर्स को खोलने में मदद करेगा, पंखी जो इसका नच रहा है उसको। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। कुल मिलाकर के मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा यूएस से मंगाने में, यहाँ पर मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार से ज़्यादा ही मुझे पे करना पड़ता। तो फिलहाल इसको अभी डाल देते हैं बैग में और अब चलते हैं इसको फ्लाई करने के लिए, क्योंकि फ्लाई करना ही बहुत ज़रूरी है यार। तो जब आप ड्रोन लेते हैं तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती है, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, ये अभी अपडेट हो रहा है, ये जैसे ही मैंने रजिस्टर किया इसको DJI पर उसके बाद ये अपडेट लेना शुरू हो गया। हो सकता है कुछ नया फॉर्मवेयर आया हो, कुछ नए अपडेट्स होंगे, शायद इसलिए अपडेट ले रहा होगा। और इस यहाँ पर रखा है हमारा ड्रोन और इस ड्रोन को अभी टेस्ट करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने पहले ही देख ली है। तो यहाँ पर अभी हमारा सारा अपडेट वगैरह होने के बाद ये ड्रोन का कैमरा ऑन है और हमारा ड्रोन यहाँ पर रखा है। ला रहा है भाई का असिस्टेंट ले रहा था मैं, ये थोड़ा सा कुछ क्योंकि पहले ये इसको ऑपरेट कर चुके हैं और इसका गिम्बल बहुत ही अच्छा है। यहाँ से जैसे देखो आप ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसमें जो गिम्बल दिया ना उसका यहाँ पे ये स्क्रॉल बटन है, इससे आप होता है और यहाँ देख सकते हो आप उसका गिम्बल जो मूव हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसको टेरेस पर लेकर के फ्लाई करने के लिए।
और मेरी हिम्मत तो सीरियसली नहीं हो रही थी ना कि मैं अपने घर में इसको फ्लाई करूं, तो लारे भाई का चूज कि मैंने किया क्योंकि यहीं पर हमने पहले टेस्टिंग की थी इनके वाले ड्रोन की। और ये आपने लैंडिंग बना रखा है क्या आपने हेलीपैड बना हुआ है? तो यहाँ पर अभी ड्रोन को रख दिया और ये जॉयस्टिक मेरे हाथ में, और ठीक है यार उड़ाते हैं, फर्स्ट टाइम मिनी टू उड़ाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले तो हम लोग उड़ा चुके हैं लारे भाई, इससे पहले हम लोग उड़ा चुके हैं, लेकिन अभी इसको उड़ाते और देखते हैं। एयरक्राफ्ट डिसकनेक्टेड बता रहा है। डिसकनेक्ट द एयरक्राफ्ट, कनेक्ट द एयरक्राफ्ट। सो अभी ये कनेक्ट हो गया और इसको फर्स्ट टाइम उड़ा रहे हैं भाई। उड़ा दें, उड़ाइए। और ये ऑन हो चुका है। ओ भाई, सीरियसली ऊपर भेज दिया हमने और अभी आप पटना को देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो ये हमारा जो है ना, ये फर्स्ट फ्लाइट है आज। हाय कर दीजिए, हाय। इधर इधर, ऊपर 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 ऊपर। तो ये हमारे ड्रोन से शूट होता है विजुअल और मैं यहाँ पर हूँ। हाय, फाइनली ये अभी आ गया यहाँ पर और अल्टीमेट वाला एक्सपीरियंस रहा यार। आज फर्स्ट टाइम मैंने अपना जो ड्रोन है ना, खुद के पैसे से खरीदा हुआ, वो मैंने आज फ्लाई किया। इससे पहले बहुत सारे ड्रोन को मैंने फ्लाई किया था लेकिन वो अपना वाला नहीं था। तो ये देखो, ये अपना है, ये अल्टीमेट लग रहा है एकदम। और अभी यहां से नीचे चल रहे हैं। जितनी बार मैं ड्रोन फ्लाई करता हूँ ना, उतनी ही बार आपको उतना ही गट्स लेना पड़ता है, जैसे कि मुझे ऐसा फील होता है। तो भाई अभी क्या है कि हम लोग ड्रोन और फ्लाई करने के बाद घर आ गए थे और सीरियसली जो भी ड्रोन उड़ाते होंगे, जो भी ड्रोन पायलट्स हैं, उनको भी ऐसा ही फील होता होगा जैसे शायद मुझे फील होता है कि जितनी बार भी हम फ्लाई करते हैं ना, उतनी ही बार हमें उतना ही डर लगता है कि ड्रोन कहीं ना कुछ इसको हो जाए यार। एक तो बहुत महंगी चीज़ होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो हवा में है, पहले से ही अपने कंट्रोल से बाहर है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो हम लोग उसमें शायद ही कुछ कर पाए उसको बचाने के लिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हादसे हो जाते हैं, मेरे साथ वो हादसा हो चुका है पहले। हम लोग जम्मू में ड्रोन फ्लाई कर रहे थे और उस समय क्या हुआ कि गढ़ी डैम में ही वो ड्रोन उतर गया था। जो लोगों ने व्लॉग देखा होगा उनको वो चीज़ पता होगी। और ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाती है और हमें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो बस ये जो वीडियो था ना, वो बस इन्फॉर्मेटिव था कि हमने जो ड्रोन लिया वो कैसे लिया, कहाँ से लिया, कितने का पड़ा और कैसे इंडिया पहुँचा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें देनी थी। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई US में रहता है या फिर दुबई में रहता है, मतलब इंडिया से बाहर रहता है, तो आप उससे ड्रोन मंगा सकते हैं, आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है, खास करके यहाँ के प्राइस के मुताबिक। और जो मैंने बोला था ना 48,000, वो इसलिए पड़ा क्योंकि $59 जो है वो सेल टैक्स में उनको देने पड़े थे वहाँ पे, और बाकी उसका एक्चुअल कॉस्ट जो था वो $499 का है। तो 249 ग्राम्स का है, इसलिए आपको उड़ाने के लिए ज़्यादा कुछ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है नहीं। और वैसे इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम लोग तलाश रहे, जैसे जो 15 मीटर वाला जो हाइट का जो सॉल्यूशन है, अगर किसी के पास वो है तो मुझे ज़रूर दे दें, क्योंकि 15 मीटर से ऊपर जाने के बाद ये बोलने लगता है कि मैक्स अल्टीट्यूड, इसको जल्दी से नीचे उतारो यार। तो वो चीज़ जो है ना ख़त्म करनी है यार, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आपका भाई साहब मिलता है आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।